दुनिया में सबसे ताकतवर चीज है पैसा। खूब कमाओ पैसा, टारगेट बना लो 2 लाख करोड़ का, 3 लाख करोड़ का। देखिए ये ज्ञान और मोटिवेशन देने वाले अवध ओझा खुद कितने करोड़ रुपए के मालिक हैं, कौन सी कार है इनके पास, YouTube और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कितना नोट छापते हैं ओझा जी। और तो और आज भले ही अवध ओझा देश के टॉप यूपीएससी टीचर हो, लेकिन एक समय ऐसा था जब इनके नाम से कोचिंग छोड़ देते थे लोग। वो क्या मामला था बताएंगे सब कुछ आज के इस डिटेल रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी का स्पेशल शो मनी टॉक और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। सबसे पहले अवध ओझा के नेटवर्क से कहानी की शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश के गोंडा से ताल्लुक रखने वाले अवध ओझा छात्रों के बीच ओझा सर के नाम से फेमस हैं। यूपीएससी की कोचिंग देने के साथ ही वे एक मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पर भी काफी चर्चित रहे। बचपन से ही पढ़ाई में अच्छे रहे अवध प्रताप ओझा का सपना तो यूपीएससी क्लियर करने का था, लेकिन ऐसा हो नहीं सका, जिसके बाद उन्होंने कोचिंग सेंटर शुरू करने की राह पकड़ ली। उनके पढ़ाने के अंदाज ने देखते ही देखते उन्हें पॉपुलर कर दिया। जैसे जैसे उनकी कोचिंग में छात्रों की तादाद बढ़ती गई, अवध ओझा की कमाई भी बढ़ने लगी। रिपोर्ट के मुताबिक कोचिंग पढ़ाते पढ़ाते नेता बने अवध ओझा की अनुमानित संपत्ति करीब 11 करोड़ रुपए के आसपास है। अब कोचिंग सेंटर्स के अलावा और कहां से अवध ओझा की कमाई होती है ये जानिए। देखिए अवध ओझा की नेटवर्क में सबसे ज्यादा हिस्सा उनके द्वारा संचालित किए जा रहे कोचिंग सेंटर से होने वाली इनकम का है। अवध ओझा क्लासेस की वेबसाइट पर अगर आप नजर डालेंगे तो यूपीएससी जीएस यानी जनरल स्टडीज फाउंडेशन कोर्स की फीस ऑनलाइन जमा करने पर जीएसटी के साथ 90,000 रुपए है, वहीं ऑफलाइन जमा करने पर 1,60,000 रुपए। कोचिंग सेंटर के अलावा अवध ओझा अपने यूट्यूब चैनल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए भी मोटी कमाई करते हैं। अवध ओझा का एक YouTube चैनल भी है जिसका नाम अवध ओझा है, उसके लाखों सब्सक्राइबर हैं। इनके एक एक वीडियो पर अगर आप नजर डालेंगे तो मिलियन में व्यूज जाते हैं। अंदाजन अवध ओझा अपने YouTube चैनल से ही हर महीने करीबन 4 से 5 लाख रुपए की कमाई करते हैं। वहीं अवध ओझा मोटिवेशनल स्पीकर वीडियो से भी कमाई करते हैं, वो भी मोटी वाली। अब अवध ओझा के परिवार में कौन कौन लोग हैं ये जानिए। देखिए अवध ओझा की मां पेशे से एक वकील थे जबकि पिता पोस्टमास्टर थे। साल 2007 में मंजरी ओझा से उनकी शादी हुई। उनके 3 बेटियां हैं, एक बुलबुल, दूसरी गुनगुन और तीसरी पीहू। अब अवध ओझा के अधूरे सपने के बारे में जान लीजिए। देखिए अवध ओझा का सपना बड़े होकर यूपीएससी क्लियर कर आईएएस अधिकारी बनने का था। इसके लिए उन्होंने जीत और मेहनत भी की थी। शुरुआती शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने प्रयागराज की राह पकड़ी। इसके बाद मौका आया यूपीएससी परीक्षा का, लेकिन उन्हें सफलता हाथ नहीं लगी। यूपीएससी क्लियर न कर पाने के बाद उन्होंने कभी नौकरी न करने का फैसला कर लिया और दूसरा रास्ता जो है ऑप्शन चुन लिया। यह रास्ता था कोचिंग पढ़ाने का। पहले उन्होंने किसी और के कोचिंग सेंटर में इतिहास यानी हिस्ट्री पढ़ाया और फिर अपना कोचिंग सेंटर शुरू कर दिया। अवध ओझा ने साल 2005 में अपना पहला यूपीएससी कोचिंग सेंटर दिल्ली के मुखर्जी नगर में शुरू किया था और इसके बाद उनकी पॉपुलैरिटी लगातार बढ़ती गई और एजुकेशन सेक्टर में वे एक सेलिब्रिटी टीचर बन गए। बता दें मोटिवेशनल स्पीकर और शिक्षाविद अवध ओझा यानी अवध ओझा सर की राजनीतिक पारी भी शुरू हो गई। अब वह आम आदमी पार्टी से राजनीति करते हुए दिखाई देंगे आपको। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आप में शामिल होने वाले अवध ओझा अगले साल होने वाले दिल्ली विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारी भी पेश कर सकते हैं। इस संबंध में आधिकारिक ऐलान होना बाकी है। हालांकि आम आदमी पार्टी की सदस्यता लेने के बाद उन्होंने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में हम लगातार काम करते रहेंगे। अगर कोई हमसे पूछे कि आप राजनीति और शिक्षा के क्षेत्र में किसी एक ऑप्शन को चुनना होगा आपको, तो हम राजनीति को चुनेंगे। यानी एक तरह से कहा जाए कि अब जो पढ़ने और पढ़ाने वाला जो काम है उसको वो त्याग रहे हैं। इस मौके पर देखिए दिल्ली के पूर्व सीएम जो है अरविंद केजरीवाल ने भी पार्टी में अवध ओझा का स्वागत करते हुए कहा कि इनके राजनीति में आने से शिक्षा के क्षेत्र में विकास होगा। अवध ओझा ने यह भी कहा कि हमें पार्टी जो जिम्मेदारी देगी उसे हम बखूबी पूरा करेंगे। अब हमने आपको अवध ओझा के बारे में तमाम जानकारियां दे दी, कहां के रहने वाले हैं, कितनी संपत्ति है उनके पास, कौन सी कार है, कैसे उनका सपना पूरा नहीं हो पाया और अभी क्या कर रहे हैं। आपको हमारी ये डिटेल रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह देश दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताजातरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। देखते रहिए
लोकमत है।